विद्यार्थियों, आज हम उत्तर भारत की प्रचलित गायन शैलियों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम ध्रुपद गायकी। ध्रुपद जो है भारत का एक अति उत्तम प्राचीन गायन है, यानी ये गायन शैली, इसका माना जाता है कि इसकी रचना सबसे पहली 13वीं शताब्दी में पंडित सारंगदेव जी के समय से हुई है। परंतु इसके मूल प्रवर्तक जो है वो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर जी को माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद गायन की प्रथा 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर जी के समय से प्रारंभ हुई। राजा मानसिंह जी स्वयं ध्रुपद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने हजारों ध्रुपद खुद भी रचे और उनके समय में हजारों ध्रुपद रचे गए और उन्होंने इसके ध्रुपद के प्रचार प्रसार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ध्रुपद एक गंभीर और जोरदार गायकी है जिसके लिए आवाज का एक गंभीर जोरदार खुली इस तरह की आवाज होना उसके लिए आवश्यक है। साथ ही इसके लिए उत्तम स्वर ज्ञान, सच्चा राग ज्ञान, ताल ज्ञान एवं अच्छा स्वर अभ्यास यह अति आवश्यक है। और ध्रुपद में स्थाई अंतरा, संचारी आभोग ये चार भाग माने जाते हैं और कुछ ध्रुपद में स्थाई अंतरा ये दो भाग भी होते हैं। और ध्रुपद के गीत जो हैं वो अधिकतर हिंदी, उर्दू और ब्रज, इन तीन भाषाओं में होते हैं। इसलिए इनका साहित्य जो है, भाषा जो है, वो उच्च कोटि की इसमें रखी रहती है। और साथ ही इसमें राग की शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, यानी राग में किसी भी प्रकार का कोई हेर फेर या उसमें किसी भी प्रकार का उसमें कमी बेसी जो है वो नहीं चलती। इसमें राग की शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ध्रुपद जो है अधिकतर कुछ चुनी हुई तालों में होते हैं, जैसे चौताल, सुलताल, धमार, तीवरा, इस तरह की उसमें ये रचे जाते हैं। और ताल के लिए इसमें मुख्यतः पखावज की संगत होती है, यानी ध्रुपद गायन के साथ पखावज जो है बजाया जाता था। जो ये प्राचीन क्योंकि गायन शैली है तो उस समय ध्रुपद गायन चलता था, तो उसके साथ क्योंकि जो ये गंभीर गायकी है, जोरदार गायकी है, तो उसके अनुरूप ही उसमें तब संगत भी जो है वो पखावज जैसे वाद्य ही उसके लिए उपयुक्त था। दूसरा इसमें देखते हैं कि ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें दुगुण, चौगुण, अटगुण, गमक इत्यादि ये लयकारी और इस तरह का इसमें प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और इसकी इसलिए चाल भी, इसके वजन भी जो है बहुत गंभीर और इस तरह का माना जाता है। और इसमें जो पद होते हैं वो वीर, शांति और श्रृंगार, इस तरह के रस इसमें हमें, इनके पद में हमें मिलते हैं। और ध्रुपद जो गायक हैं उनको कलावंत भी कहा जाता है, यानी प्राचीन समय में इनको कलावंत भी कहा जाता था, जो ध्रुपदी होते थे। और ध्रुपद गायन की जो विभिन्न विभिन्न घरानों की जो रीतियां थी उनको वाणी कहलाते थे। तो ये चार वाणी मानी गई हैं, इसमें है गोबरहारी, डागरी, खंडारी और नुहारी। तो ये चार जो हैं ध्रुपद की वाणियां प्रसिद्ध थी, जिसमें तानसेन जी से गोबरहारी, ब्रचन जी से डागुरी, राजा सम्मोहन सिंह जी से खंडारी और श्रीचंद जी से नौहारी वाणियां प्रसिद्ध हुई। अब ध्रुपद का जो है वर्चस्व प्राचीन समय में तो बहुत था और आज भी इसका अस्तित्व है और बहुत अच्छे अच्छे ध्रुपद गायक आज भी हैं। हालांकि ख्याल गायकी जब से प्रचार प्रसार में आई है तो ध्रुपद का चलन थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ध्रुपद जो है उसका वर्चस्व और उसकी गायकी आज भी मौजूद है। ध्रुपद के समान जो अगली गायकी है वो है धमार। यानी धमार भी एक प्रकार का गायन है और ये माना जाता है कि धमार ताल में गाए जाने वाले
होरी नामक गीत को धमार कहते हैं, यानी होरी गायन जो धमार ताल में गाया जाता है वो धमार कहलाता है। और धमार में भी प्रायः साधारणता स्थाई, अंतरा, संचारी, ये चार भाग होते हैं और कुछ में स्थाई और अंतरा भी रहता है, खाली रहता है। और धमार में तानों का प्रयोग नहीं होता और इसमें भी दुगुन, चौगुन, बोलतान, गमक आदि का प्रयोग होता है। और धमार गायन धमार ताल में ही गाया जाता है और इसकी जो भाषा है और इसके गीतों में अधिकतर राधा कृष्ण, गोपियाँ और ये होली वगैरह, इसका चित्रण अधिकतर जो रहता है, यानी इसका साहित्य जो है वो इस पर आधारित रहता है। और धमार की जो है वो भी ध्रुपद की तरह एक कठिन, जोरदार, गंभीर गायकी है, इसलिए इसके लिए भी आवाज़ का मधुर, खुला, जोरदार होना और अच्छा राग ज्ञान, ताल ज्ञान होना इसके लिए भी आवश्यक माना जाता है। अगली गायन शैली जो है वो है ख्याल, जो कि आज वर्तमान समय में की बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय गायन शैली है, वो है ख्याल। ख्याल जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, इमेजिनेशन यानी कल्पना, ख्याल में यानी इमेजिनेशन। तो जब कोई गायक किसी राग में बधी हुई चीज को गाकर उसे अपनी कल्पना, अपनी बुद्धि, अपनी के अनुसार उसके राग के नियमों को ध्यान में रखते हुए उसको विभिन्न प्रकार से अलंकारों द्वारा सुशोभित करके प्रस्तुत करता है तो वो ख्याल कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ख्याल एक ऐसी गायकी है जिसमें गायक किसी राग में बधे हुए गीत को लेकर उसे स्वयं उत्पन्न हुए आलाप विभिन्न अलंकारों तानों द्वारा जब सुशोभित करके प्रस्तुत करता है तो वो ख्याल होता है। और ख्याल जो है आज वर्तमान समय का, जैसे बताया कि ये बहुत ही लोकप्रिय है और आजकल जो है ख्याल गायकी ही सर्वत्र जो है उत्तर भारतीय संगीत में देखी जाती है। और हमें देखते हैं कि जितने भी अभी अच्छे गायक हैं वो जो हैं वो सब ख्याल गायक ही हमें इसमें दिखते हैं और इसकी अलग अलग ख्याल के हमें घराने हमें मिलते हैं। ख्याल में अधिकतर स्थाई और अंतरा ये दो भाग होते हैं और ये प्रायः सभी तालों में निबद्ध होता है, एक ताल, त्रिताल, झपताल, आड़ा ताड़ताल, झूमरा, तिलवाड़ा। और ताल के लिए इसमें जैसे कि ध्रुपद गंभीर गायकी थी तो उसके साथ पखावज की संगति होती थी, वैसे ही ख्याल जो है एक सुकोमल गायकी है तो इसके साथ तबला जो है वो उसके साथ संगत के लिए प्रयुक्त होता है। और ख्याल गायन में श्रृंगार रस प्राय प्रधान रहता है और इसके बोल भी अधिकतर हिंदी, उर्दू, ब्रज इस तरह से लिखे जाते हैं। और ख्याल में हम देखते हैं कि दो प्रकार ख्याल के मिलते हैं, एक बड़ा ख्याल, दूसरा छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल अधिकतर एक ताल, आड़ा चार ताल, झूमरा, तिलवाड़ा इनमें गाया जाता है और इसकी प्रकृति गंभीर और गति इसकी धीमी होती है और इसमें पहले ताने जो है आलाप की भांति गाई जाती हैं, फिर गति को धीरे धीरे बढ़ाकर उसमें दुगुन, चौगुन आदि लय में उसको करते हैं और इस तरह से उस तालों की उसको बढ़त कहा जाता है। इसके बाद बोल, तान, फिरत आदि का प्रयोग उसमें होता है और फिर इसमें गमक की तानों का प्रयोग होता है, मतलब फिरत में तानों की स्वर संख्या, उनके उठाव, उनकी समाप्ति का स्थान प्राय निश्चित रहता है और स्वरों का क्रम भी लगभग निश्चित सा ही रहता है। फिर गमक तान का प्रयोग होता है, इस प्रकार बड़ा ख्याल गाया जाता है। छोटा ख्याल यानी ये साधारणतः त्रिताल, झपताल में निबद्ध होता है या उसमें गाया जाता है और इसकी रचना सुंदर, प्रकृति इसकी थोड़ी चंचल और गति चपल इसकी होती है और ये इसमें ध्रुव तानों का, बोल तान आदि का इसमें प्रयोग होता है। और छोटे ख्याल में पहले ताने छोटे छोटे स्वर समुदायों की होती हैं
और निश्चित स्थान से प्रारंभ करके उसे निश्चित स्थान पर वो समाप्त की जाती हैं। फिर धीरे धीरे तानों की स्वर संख्या बढ़ाकर उसके विभिन्न प्रकार के तानों का प्रयोग उसमें किया जाता है। इस प्रकार छोटा ख्याल जो है वो गाया जाता है। अगला एक प्रकार जो है वो है टप्पा, यानी टप्पा एक प्रकार का मधुर गायन है। और ये टप्पा मतलब पहले ये माना जाता है कि केवल पंजाब देश से ही गाया जाता था, वहीं पर ये प्रचलित था। और इसका आविष्कार तथा प्रचार उत्तरी हिंदुस्तान पद्धति में 18वीं शताब्दी के लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला जी के समय लखनऊ के एक प्रसिद्ध गायक तथा कव्वाल थे गुलाम नबी शोरी जी, उन्होंने इसको किया था। मतलब उन्होंने ऐसा माना जाता है कि खुद पंजाब गए, उन्होंने वहाँ सीखा कुछ समय, जाके पंजाबी सीखी और लखनऊ आके उन्होंने अपने राज्य में उन्होंने यहाँ टप्पा बांधा और उसको प्रचारित किया। टप्पा में स्थाई और अंतरा ये दो भाग होते हैं और ये चुनी हुई कुछ रागों में गाया जाता है, जैसे काफी, भैरवी, खमाज, पीलू, इस तरह की रागों में ये बद्ध होता है। और तबले के लिए इसमें उन्हीं तालों का प्रयोग होता है जो ख्याल गायन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे तिरताल, झूमरा, दीपचंदी और कुछ इनकी विशेष तालें जो होती हैं। और इसमें छोटी छोटी परंतु गमक युक्त तानों का प्रयोग होता है। और इसमें मुरकी, जमजमा, सांस, आस, इस तरह की जो है वो भी एक प्रयोग होता है। इसलिए टप्पा गायन शैली जो है उसके लिए गला एक विशेष अंदाज का तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हर एक गायक जो है वो टप्पा गायन में प्रवीण नहीं हो सकता। उसके लिए गायन की एक गले की एक विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। और इसमें भी प्रायः श्रृंगार रस प्रधान रहता है। थैंक यू।